सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है, 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है ग्लोब एंड मैप्स, ग्लोब तथा मानचित्र। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ अवर अर्थ, क्या आपने सोचा है कि कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, हमारी पृथ्वी कैसी है, उसकी शेप कैसी है, फ्लैटन और लाइक ए प्लेट, या तो राउंड है, गोल है, या फ्लैटन चपटी है, या प्लेट की तरह है। ठीक है, तो बच्चों हमारी कैसी है, फ्लैटन है थोड़ी सी, बिल्कुल राउंड तो नहीं है। आगे देखते हैं, अवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, हमारी पृथ्वी जो है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, वो पूरी तरह से गोल नहीं है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल, ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, ये रही इसकी पिक्चर। ठीक है, दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब एज ए ज्योइड, और इस पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। बट दिस फ्लैटन्स ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर, लेकिन पृथ्वी का ये चपटापन उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर बहुत थोड़ा सा है बच्चों, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ हैज राउंड, इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल सी ही दिखाई देती है। इक्वेटर डायमीटर बताया हुआ इसका, विषुवती व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग। पोलर डायमीटर है इसका, ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग। डिफरेंस इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 42 किलोमीटर का है लगभग। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, द ब्रोकन लाइन इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, तो देखिए ये वाली जो लाइन है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम राउंड शेप बना रही है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ब्रोकन वाली, जो ऐसे 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 करके, ये वाली हमें अर्थ की बिल्कुल करेक्ट शेप बता रही है कि हमारी अर्थ थोड़ी सी ऐसे है, चपटी है। ठीक है, अब देखिए आपको इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए यहाँ से तो थोड़ी सी चपटी है नॉर्थ और साउथ में से, और यहाँ से थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में से, यह है हमारी अर्थ की करेक्ट शेप। अब आगे देखते हैं, ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब ये इसका ट्रू मॉडल है, बिल्कुल एकदम करेक्ट मॉडल है, इसका मिनिएचर फॉर्म है, उसका छोटा रूप है ये। ग्लोब मे बी ऑफ वेराइटी साइज एंड टाइप, लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, ग्लोब्स लाइक बलून्स, वेरी लार्ज साइज ग्लोब एटसेट्रा, ग्लोब विभिन्न प्रकार व आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले ग्लोब भी आते हैं, ठीक है, गुब्बारे वाले ग्लोब भी होते हैं, बड़े आकार के ग्लोब भी होते हैं आदि। कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, लेकिन पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती वास्तव में, इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये एक्सिस ग्लोब में होती है, वैसे रियल में नहीं होती, ये अपने आप ही घूमती है। अब एक्टिविटी वन कर लेते हैं, एक्टिविटी वन है, ऑब्जर्व ए ग्लोब केयरफुली एंड राइट वट एवर यू सी इन इट, आपको एक ग्लोब को बहुत केयरफुली देखना है, ध्यान से देखना है, और आपको लिखना है आप उसमें क्या देखते हैं। तो आप देखिए आप क्या देखते हैं उसमें, कॉन्टिनेंट्स भी देखते हैं, ओशन भी देखते हैं, बस आप इतना लिख दीजिए, वेन वी ऑब्जर्व ग्लोब केयरफुली वी सी कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, तो फिर आप उसके बाद लिख देना, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स विच इंक्लूड नॉर्थ अमरीका, साउथ अमरीका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये हटा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में से एस नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप क्या देखते हैं, आप ये एक्टिविटी वन में लिख सकते हैं, क्या क्या है ग्लोब पर, वहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट है,
जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और क्या चीज़ दिखती है हमें? देयर आर फाइव ओशन विच इंक्लूड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन। वहाँ पर पांच ओशन है, पांच महासागर हैं, जिनमें पैसिफिक ओशन हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन हो गया अटलांटिक महासागर, आर्कटिक ओशन हो गया आर्कटिक महासागर, इंडियन ओशन हो गया हिंद महासागर एंड साउदर्न ओशन हो गया दक्षिणी महासागर। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं एक्टिविटी वन में, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट यू सीन इन इट, आप लिख सकते हैं वी सी इन इट लाइक वी सी इन इट कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। फिर आप अपना आंसर आगे लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा चलिए ये देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब ऑन द डिफरेंट बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। आपको ये टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है हिंट्स के थ्रू। हिंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, द प्लेनेट वेयर वी लीव इट, वेयर वी लीव स्पेरिकल नो इमेजिनरी लाइन, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ हैज इमेजिनरी लाइन जॉइड। तो देखिए आप यहाँ फिल कर दीजिए, बेसिस यहाँ बता हुआ, मीनिंग शेप इमेजिनरी लाइन, अर्थ और ग्लोब के बारे में हमें लिखना है। तो अर्थ का मीनिंग लिख देंगे हम, द प्लेनेट वेयर वी लिव, ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ये लिख देंगे हम इस वाले कॉलम में। ग्लोब के इस वाले कॉलम में आप ये लिखेंगे, ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ट्रू मॉडल ब्रैकेट में लिखेंगे, मिनिएचर फॉर्म लघु रूप उसका। शेप में अर्थ की शेप कैसी होती है? ज्योइड, वो आपने यहाँ लिख दिया। ग्लोब की होती है स्पेरिकल, वो आपने यहाँ लिख दिया। इमेजनरी लाइन के बारे में लिखेंगे, अर्थ में नो इमेजनरी लाइन, कोई इमेजनरी लाइन नहीं होती। ग्लोब की लिखेंगे हैज इमेजनरी लाइंस, इमेजनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब आगे देखते हैं, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। वेन वी वॉन्ट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ए पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक टुकड़े का अध्ययन करना चाहते हैं, एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? लाइक इंडिया, जैसे कि भारत का हमें अध्ययन करना है, या दिल्ली का, अवर एरिया, या हम अपने एरिया का आदि, इन सब का अध्ययन करना होता है, देन मैप्स आर मोर यूजफुल। तब हम ग्लोब की जगह पर बच्चों मैप का यूज़ करते हैं, मानचित्र का यूज़ करते हैं। मैप्स क्या होते हैं? मानचित्र, ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। एक मानचित्र जो होता है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मेजॉरिटी मैप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। मानचित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं। एक्टिविटी टू और करनी है आपको। एक्टिविटी टू में क्या करना है? स्टेट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। आपको समानताएं बतानी है और अंतर भी बताने हैं ग्लोब्स और मैप्स के बीच में, ठीक है। ग्लोब और मानचित्र में समानताएं तथा अंतर बताइए। तो एक्टिविटी टू में आप लिख देंगे, यहाँ से आप एक्टिविटी टू लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये हैं सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज लिख लेना, ए ग्लोब इज ए थ्री डायमेंशनल स्फीयर व्हाइल ए मैप इज टू डायमेंशनल। एक ग्लोब में क्या होती हैं? त्रिविमाएं होती हैं, थ्री डायमेंशनल, थ्री डी स्फीयर होता है उसका, जबकि मैप का टू डी होता है, ठीक है, उसका द्विविमीय प्रदर्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप ये लिख लेना सिमिलरिटीज़ में, सिमिलरिटीज़ हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, लिख लेना ऊपर सिमिलरिटीज़, समानताएं होती हैं, मतलब दोनों में क्या चीज़ देखने में एक सी लगती है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट ये लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, द ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ वेयर इज ए मैप में रिप्रेजेंट द होल अर्थ और जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पॉइंट ये लिख लीजिए, ग्लोब जो है वो पूरी पृथ्वी को प्रस्तुत करता है, जबकि एक मैप जो है वो इसके एक भाग को ही प्रस्तुत करता है। बस दो पॉइंट लिख लीजिए, बहुत है, ठीक है, चाहे तो थर्ड पॉइंट भी लिख लेना, ज़रूरत नहीं है वैसे। ए ग्लोब कैन बी यूज टू गेट ए ब्रॉड लेवल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड वाइल मैप्स प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। ग्लोब में ब्रॉड लेवल की पिक्चर्स दिखाई जाती है पूरे विश्व की, संसार की, जबकि मैप्स जो है कि विभिन्न स्थानों के अलग अलग
विशेष सूचना प्रदान करता है, ठीक है, उसके बारे में, अलग अलग स्थानों के बारे में। तो बस दो पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, आप कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ तक, ऑफिट तक, ठीक है। तो सिमिलरिटीज लिख लेना, डिफरेंस लिख लीजिए, ये डिफरेंस बताए हुए हैं, डिफरेंस करके लिख लेना क्या है। ए मैप इज ए फ्लैटन पिक्चर ऑफ ए प्लेस, ए मैप इज इजी टू कैरी, यू कैन होल्ड ए मैप एंड पुट इन योर पॉकेट, ए ग्लोब इज ए बिग राउंड बॉल दैट शोज यू द वर्ल्ड। देखिए एक मैप जो है अंतर क्या है, फ्लैट पिक्चर है किसी स्थान की, बिल्कुल चपटी सतह है। ए मैप जो है आसानी से ले जाया जा सकता है, आप उसे फोल्ड कर सकते हैं, आप उसे जेब में रख सकते हैं, जबकि एक ग्लोब क्या है, एक बड़ी राउंड बॉल है जो कि आपको पूरे विश्व के बारे में दिखाता है। तो बस आप ये लिख दीजिए, इतना बहुत है, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।